नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल न्यूज, आपकी आवाज़। मैं हूं मेरा जबी। ग्रामीणों का आरोप, शुगर मिल के जल प्रदूषण से बढ़ रहे हैं हेपेटाइटिस सी के मरीज, हो रही हैं लगातार मौतें। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के असमौली विधानसभा क्षेत्र में हेपेटाइटिस सी वायरल संक्रमण से लगातार हो रही हैं मौतें। गाँव वालों में पसरा दहशत। असमौली विधानसभा क्षेत्र के गांव रामनगर में हेपेटाइटिस सी वायरल संक्रमण में एक एक घर करहा रहा है। गांव में लगातार वायरल संक्रमण से मौतों का सिलसिला जारी है। गांव वालों का आरोप है कि इस पूरे संक्रमण का कारण जल प्रदूषण है, जो उनके गांव व आसपास के गांवों में फैला हुआ है, जिसका असर उनके बच्चों, बड़ों और बुजुर्गों पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस सी जैसी भयानक बीमारी का रूप ले रही है। हेपेटाइटिस सी इतनी भयानक बीमारी हो चुकी है कि जिससे उनके गांव में लगातार 30 से 35 मौतें हो चुकी हैं। इस बीमारी की शिकायत उन्होंने आला अधिकारियों तक से की हुई है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कोई समाधान नहीं हुआ है। गांव के पास में ही एक फैक्ट्री है, जिसकी वजह से जल प्रदूषण हो रहा है। और पहली बार रामनगर गांव के प्रधान ने ये बात कबूलते हुए कहा कि ये बीमारी सिर्फ जल प्रदूषण से हो रही है, जिससे गांव में वायरल संक्रमण से एक एक परिवार में कई कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। हालांकि इस बीमारी से बचाव के लिए आर्थिक रूप से मजबूत लोग दिल्ली व अन्य शहरों के निजी अस्पतालों का उपचार करा रहे हैं, लेकिन कमजोर लोग सरकारी दवाइयों पर ही निर्भर हैं। ग्रामीणों का दावा है कि गांव में पीने के लिए स्वच्छ पानी भी नहीं मिल रहा है, जिसके कारण रामनगर गाँव में हेपेटाइटिस सी का प्रभाव बढ़ रहा है। ये बीमारी लोगों के लिए लीवर को संक्रमित कर रही है। डीएम संभल का कहना है कि गांव में स्वच्छ पानी के टैंकर भेजे जा रहे हैं। असमौली ब्लॉक क्षेत्र के रामनगर गांव की करीब 4000 आबादी है। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में पिछले 2 वर्ष के दौरान बीमारी से करीब 40 लोगों की जानें जा चुकी हैं। लोगों का यह भी दावा है कि सभी हेपेटाइटिस सी से पीड़ित थे। इस गाँव में कई परिवार ऐसे भी हैं जिनके परिवार से 2 या 3 सदस्यों की मौत हो गई है, और अभी 3 से 4 लोग हेपेटाइटिस से पीड़ित भी हैं। संबल से मोहित भारद्वाज की रिपोर्ट पर। आज जो मौत हुई है, 40-50 मौत हो गई 2 महीने में लगातार। तो आप कोई अधिकारी सुन गए हैं? कोई सुन कर दे रहा है? कोई भी ना, क्या कह देते हैं? मौत हुई है आपके यहाँ पर, तो आपने इसकी मौत की सूचना किसी अधिकारी को दी नहीं? हाँ, इसकी नदी साहब आपकी हालत तो बहुत ही खराब है। बहुत परेशान है। लगभग 90% आपके यहाँ पर काला पी लिया साहब, काला पी लिया बिल्कुल ABCD। अच्छा, कल जो मौत हुई है, कितने बालक हैं? इनपे कितना क्या? 2 बच्चे हैं साहब। अच्छा, कितनी उम्र होगी? लगभग इसकी उम्र है 27-28 साल की चलेगी। 27-28 जी। अच्छा, 2 बच्चे हैं, घर वाले का नाम सहाना है उसका। अक्रम लगभग बहुत मौत हो चुकी है। अरे साहब, को ठिकाना थोड़ी है। इसी चीज से हुई है मेरे ख्याल से। 14-15 आदमी बिल्कुल सब ऐसे ही पड़े हैं बेचारे। अच्छा, हाँ, कहाँ? क्या नाम है उनका? अच्छा, सादर छोटे और बसीर की बल जाए तो उनकी यह ना क्या है, वो फकीरी सभी बीमार। कितना परसेंट है? 90% पी लिया है। अच्छा, अच्छा। कुछ लोग डर के मारा चेक नहीं कराते कि हम मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अच्छा। कुछ लोग अपनी हिफाजत करना चाहते हैं तो वो एक चेक कराते हैं। अच्छा। लेकिन फिर वो दूसरे लोग ना सुनते इस चीज़ को कि कुछ ना होता, कुछ ना होता, ऐसा तो पूरा गाँव तबाह हो जाएगा बिल्कुल। कितनी मौतें हो चुकी हैं आपके गाँव में? मौतें इसमें ऐसे हो चुकी हैं 30-35% मौत हो चुकी है। अच्छा, लगभग है? लगभग ठीक है।